आज हमें मानसा कॉन्स्टिट्यूंसी में पंजाब में और वो हैं सिद्धू मूसेवाला जी के लिए। सिद्धू जी स्वागत है आपका। सिद्धू मूसेवाला देश में पंजाब के बाहर अगर कम लोग जानते हैं तो बता दें आपको, रैपर, यूट्यूब स्टार, 4 साल में आपने जो हासिल किया उसकी बदौलत अब आप को कांग्रेस का टिकट भी मिला, कांग्रेस में आए आप। क्यों आए आप कांग्रेस में? कोई ना कोई पार्टी को तो ज्वाइन करना ही था, सो कांग्रेस इज अ सेकुलर पार्टी, इट्स नॉट नेशनल पार्टी, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। यही रीजन था इसका। सो पार्टी क्यों ज्वाइन करना था? नहीं, कभी आप सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो दैट्स व्हाई मैंने ज्वाइन किया। सो मेरा परिवार पहले भी कांग्रेस में था, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन। सिद्धू जी, इस पूरे इलाके में लोग तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे बताया जाता है कि यूथ जो नहीं वैसे ही देखो ज्वाइनिंग तो और भी बहुत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रमोट उस चीज़ को किया जा रहा है। सो आम आदमी पार्टी मेरे अपने रीजंस हैं वो। आप, उन्होंने आपको अप्रोच किया था? या उन्होंने भी किया था। तो आपने मैंने कोई खास वजह? मेरा खुद का यानी कि मेरा मन नहीं था उस, अब मैं किसी के बारे कुछ बुरा या बैड माउथिंग नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक के अपने अपने रीजंस होते हैं। मैंने इस हाल देखे क्योंकि कोई पंजाब का चेहरा ही नहीं था, पंजाब का सिर्फ एक ही चेहरा, और ये हर जगह पे लिखा हुआ है कि इस बार इसको मौका, क्यों पंजाब की लीडरशिप कहाँ है? हमारे भी तो लोग हैं वहाँ पर, उसकी ब्रांडिंग क्यों नहीं की जा रही? अब तो उन्होंने चेहरा डिक्लेयर कर दिया। नहीं, एक चेहरे के साथ क्या होगा? हमारे पास किसी भी पार्टी के देख लो कम से कम 10 से 12 लीडर तो मेन लीडरशिप जिसकी लोग जानते हैं, इनका कौन सा लीडर है? तो आपके पार्टी में ये भी तो ना कि वो इतने सारे लीडर हैं अभी उनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं? नहीं, वो तो होता ही है, किस किस पार्टी में झगड़े किस पार्टी में नहीं होते, आम आदमी में नहीं होते, सभी पार्टीज में होते हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि मेरी अपनी प्रायोरिटीज थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने सब साइड्स देखे। हर एक बंदे के अपने रीजंस होते हैं, तो मेरे भी अपने थे, सो दैट्स व्हाई। कोई ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी बुरी पार्टी है, या कोई किसी संस्था को मैं बुरा नहीं कहना चाहता, वो भी अच्छे हैं ये भी अच्छे हैं। आपके रैप में ऐसा क्या है कि यूथ एकदम से अट्रैक्ट होता है और सिस्टम बदलने की बात होती है? क्योंकि हिंदी ऑडियंस ज़्यादा नहीं जानती है, मैं इसलिए वो सुनना भी चाहूँगा। नहीं, हिंदी ऑडियंस क्यों नहीं जानती है? मतलब हिंदी ऑडियंस उसकी वो जो पंजाबी भाषा नहीं समझते, वो उसकी ये नहीं समझते कि आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो। हमारी लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन आज किसी भी आप क्षेत्र में जाओगे, बॉलीवुड में जाओगे, किसी और क्षेत्र में जाओगे, तो आप पंजाबी म्यूजिक को सुनोगे। म्यूजिक तो चलेगा जी, मैं उसकी लिरिक्स की बात करूँ क्योंकि आप लिखते भी लिरिक्स हैं। तो मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि मैं ऑलवेज बेबाक रहा हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं अपने दिल से बोलता हूँ, मैं रॉ रहता हूँ, मेरे पे कोई फिल्टर नहीं होता कि जब मैं लिखता हूँ या मैं गाता हूँ तो मैं उस पे फिल्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो मेरे अंदर चल रहा है वो जाने। सो इसीलिए लोग शायद मुझे पसंद करते हैं या कुछ और। तो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, गन्स इज़ नॉट अ बैड थिंग, अपन हमको मालूम होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सो गन इज़ नॉट अ बैड थिंग, अगर इतनी ही बुरी है गन तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, उसका पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट, कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, कौन सी बात हमारे हक में है, कौन सी खिलाफ है। तो ये आपसे वोटर पूछ नहीं रहे कॉन्स्टिट्यूंसी में? मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे पूछे, आई विल क्लियर आउट द थिंग्स, मैं उनको बताऊँगा कि बताओ अगर ये इतनी बुरी है तो गुरु साहिबान ने हमारे 5 ककारों में श्री साहब क्यों दिए? ये हमारे धर्म का, हमारा धर्म इसे हमारे शरीर का हिस्सा मानता है, सो क्यों दी है? अगर आर्मी के पास हथियार हैं वो एक पर्पज़ के लिए हैं, अगर वो वही आर्मी हमारे लोगों पे तान दे तो दैट्स अ बैड थिंग, उनके पास पर्पज़ है सेफ्टी के लिए। सो गन्स का बेसिकली जो रीज़न है रखने का वो सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी है। आपके इलाके में भी और पूरे इस पंजाब में ज़्यादातर यूथ जो है वो बाहर चला जाता है, कैनेडा चला जाता है जी, आपने नहीं सोचा आप पिंड में ही हो? नहीं, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है ना, मैं लोगों की सिंपथी लेने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे रहना, ये मेरा गांव है, यहाँ से मैं खेला कूदा हूँ, यहाँ पे मैंने बचपन से जवानी तक ग्रो किया है, अब तक यहाँ तक आऊँ, सो मैं मुझे अच्छा लगता है इस हिसाब से। पंजाब मॉडल सिद्धू जी का है, नवजोत सिंह सिद्धू जी का, आपका पंजाब मॉडल क्या है? मेरा पंजाब मॉडल तो यही है कि लोगों को जो वो चाहते हैं, शिक्षा एंड सेहत, दो बेसिक जो नीड्स हैं वो यहाँ की पूरी होनी चाहिए,
यहाँ पे थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सहूलतों की कमी है, वही पूरे कर दें तो बहुत इनफ हो जाएगा। तीन माफिया की बात होती है, सैंड माफिया, केबल माफिया, ड्रग्स माफिया, इससे कैसे निपटेंगे आप अगर? नहीं, ड्रग माफिया तो देखो थोड़ा सा आप कहते हैं ना डंडा कायम हो तो कभी कुछ नहीं होता, जब हम खुद ही उस चीज़ में धस जाते हैं तो सभी चीज़ें हो जाती हैं। सो अगर आप एग्जांपल सेट कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि हाँ मैंने ये किया, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्टेड होनी चाहिए, सॉर्टेड तभी होंगी अगर हम खुद कंट्रोल करेंगे कि हमने इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना। क्यों हाथ पे बटन दबाए वोटर पंजाब का? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी पार्टी में कह रहा हूँ कि उस पर लगाओ, मैं इस चोन निशान पे खड़ा हो रहा हूँ, पर मैं तो पंजाब के वोटर से अपील करता हूँ कि अगर आपको कोई भी लगता है कि ये अच्छा काम कर सकता है तो गो फॉर डैट। पर हम तो हर एक बंदा अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है, हर एक बंदा चाहता है कि मैं जीतूँ, सो मैं मेरा भी फ़र्ज़ है कहने का जी। पंजाब से बाहर के जो ऑडियंसेस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द बेस्ट विशेस, तुम इतना प्यार देता मैंने, थैंक यू फॉर दैट जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।